पिछले कुछ दिनों से जो भी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं मेजरली न्यूज़ चैनल्स के थ्रू सोशल मीडिया पे, जो कठुआ में एक 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसको 8 लोगों ने रेप किया ऐसा सुनने में आया है, उन्नाव की जो घटना है जहाँ पे हमारे देश की एक और बेटी के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उनके पिताजी की मृत्यु भी कर दी गई उन्हीं दबंग नेताओं ने, उन्हीं के लोगों ने, और उनको पुलिस स्टेशन में ही मारा गया, जिसकी वजह से उनकी कोई आंत वात वगैरह फट गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। ये सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं। ये सब चीज़ें जब मेरे सामने होती हैं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि आखिर इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? जो ये लोग ऐसा करते हैं, क्या उनके साथ साथ कोई और भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है? सॉरी, जैसे हमारे देश में अंधकार है वैसे ही मेरी वीडियो में भी अंधकार हो गया था थोड़ी देर के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि क्या ये जो बलात्कारी होते हैं, क्या यही केवल इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, कुछ और भी है जो कि इसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदार है? उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे। हम लोग एक्चुअली सेंसेशन में बहुत बिलीव रखते हैं, और हम बहुत ज़्यादा, हमें वो डायरेक्शन दी जाती है, वो रास्ता हमें दिखाया जाता है, जिससे कि हमारा एग्रेशन और आक्रोश सही डायरेक्शन में ना जाके ऐसी डायरेक्शन में चला जाए जो कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, जिस पे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बस हमारे दिल को एक सुकून हो जाता है कि हाँ, हमने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? सोशल मीडिया पे जस्टिस के लिए वार छिड़ जाता है, लोग इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े कमेंट करते हैं, पोस्ट पे पोस्ट शेयर करते हैं, वीडियो पे वीडियो शेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये सारी पोस्ट वीडियोस कौन क्रिएट करता है? अगर कोई वाकई में दुखी है, वाकई में उदास है इन सारी चीज़ों के लिए, तो क्या उसको इतना टाइम है कि वो इतनी क्रिएटिवली सारी पोस्ट बनाता है, वीडियोस बनाता है और उसको शेयर करता है, और हम लोग बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के उसको धड़ल्ले से शेयर किए जाते हैं, ये मान के कि इससे मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ इस बेटी को सजा दे, इस बेटी के जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने के लिए, उसको मैं कुछ योगदान कर रहा हूँ, हम लोग ऐसा मानते हैं। सोशल मीडिया पे हम पूरा गुस्सा आक्रोश सब निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार हैं, या कोई सीरियल के स्टार हैं, या कोई और किसी फील्ड में बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सब आ जाते हैं सामने। हर बार ऐसा होता है, जब भी ऐसा केस होता है, ये लोग सारे के सारे सामने आते हैं, एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली वीडियो डालते हैं, और हम लोग कहते हैं वाह क्या आदमी है, मगर उसके बाद ही वीडियो डालते हैं, उसको लाखों करोड़ों लोगों को शेयर करते हैं, एंड इट गोज़ अवे। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स पे क्या बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, कितने बड़े बड़े बेटियों की सुरक्षा के वादे किए जाते हैं, कितनी सारी बड़े बड़े डायलॉगबाजी होती है, ऐसा लगता है कि अगर इनके सामने वो रेपिस्ट आ जाए तो उसका कत्ल ही कर देंगे, उसको जान से ही मार डालेंगे, ऐसी खींचा ताने वाले रेप पे डिबेट्स होते हैं, इन जो ये जो केसेस होते हैं, उस ऐसा लगता है कि दूसरे के बाल नोच के खा लेंगे लोग एक दूसरे को, बट एक्चुअली क्या होता है, न्यूज़ चैनल पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग खुद सोसाइटी में, कॉलेज स्टूडेंट जो यूथ है हमारे देश का, वो मार्च निकालते हैं, इतना ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, एक्चुअली वो जेन्युइनली दिल से फील करते हैं कि समथिंग नीड टू बी चेंज्ड इन आवर सिस्टम, इन आवर मेंटालिटी, इन आवर सो मैनी थिंग्स टू बी चेंज्ड, एक्चुअली टू स्टॉप ऑल दीज वायलेंस, ब्रूटल वायलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या आता है? एंड रिजल्ट ये आता है कि मीडिया चैनल वाले अपनी TRP बढ़ा के निकल जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो अपने नंबर बना के निकल जाते हैं, अपनी PR टीम को लगा देते हैं अपनी वीडियोस को शेयर करने में, वो करते हैं। उसके बाद जो हमारी जो कैंडल मार्च वगैरह होती है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बट यूनाइट रहना एक लंबे समय तक बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो भी धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट भी खत्म होने लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे हर तरह के प्रयास से, हमारे हर तरह की कोशिश के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बट एक्चुअली हमें गलत डायरेक्शन दी जाती है बाई दिस सोशल मीडिया थिंग्स, बाई दिस मीडिया चैनल्स, बाई दिस सेलिब्रिटीज, बिकॉज हम इन्हीं की बातों को आगे शेयर करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, एंड वी थिंक दैट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस इन अ राइट डायरेक्शन, वी आर डूइंग समथिंग एक्शनेबल, बट नॉट, वी आर डूइंग नथिंग एक्चुअली। इसीलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना वो बात की जाए जो कोई नहीं करना चाहता, ना ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी करना चाहते, ना ये मीडिया चैनल करने चाहते, ना ये बड़े बड़े नेता करने चाहते, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है ये बात कहने की, क्योंकि जो बात ये कहेगा उसको
ये लोग काफी सारे नामों से बुला सकते हैं उसको, क्रांतिकारी बुला सकते हैं, देशद्रोही बुला सकते हैं उसको, पागल बुला सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बुला सकते हैं, बट आज मैं ये बात कहूंगा आपसे, सबसे पहले कोई भी जो समस्या होती है देश की, उसमें ये जानना जरूरी है कि ये समस्या का ओरिजिन कहाँ से है। क्या हमारे देश में पहले रेप हुआ करते थे? अगर होते भी थे, आप अगर पुराने जमाने की बात करो तो एक छलावे से होते थे, कभी ऐसा नहीं होता था कि जानबूझ के किसी को जबरदस्ती फोर्स किया जाता, एक छल से किया जाता था पहले। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों इस तरह के सिस्टम अभी भी हमारे देश में चलते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारी आज़ादी से पहले जब हमारे पर अंग्रेजों का राज था, उस टाइम पे ये जो अंग्रेज जो लोग होते थे वो किसानों से कर वसूलने के लिए उनको उन पे अत्याचार करते थे। और अत्याचार ऐसे छोटे मोटे अत्याचार नहीं होते थे, क्योंकि किसानों के, और उस टाइम पे जो लगान होता था ना, टैक्स जिसको बोलते हैं, अगर 90% होता था, अगर कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करता है तो उसको 90 क्विंटल उनको देना पड़ता था, 10 क्विंटल वो अपने पास रखता था, जिससे ना उसका गुजारा चलता था ना परिवार चलता था, किसी तरह की वो अपनी लाइफ जी नहीं पाता था, जिस वजह से वो देने में असमर्थ होता था, उस वजह से वे उस पर अत्याचार किए जाते थे, 100 कोड़े मारे जाते थे। आपने अगर वो टाइम का कोड़ा देखा हो तो उसमें लोहे की कीलें लगाई जाती थी, और होता ये था एक्चुअली कि वहां पे 7-8 कोड़े पड़ने तक एक जो किसान होते थे जनरली बेहोश हो जाते थे, और उस 100 कोड़े लगने लगने तक तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाते थे, वो मर जाते थे, इस तरह का दरिंद्रगी दिखाते थे ये लोग हमारे लोगों पर। उसके बाद ये तो हो गया उनका फाइनेंशियल फैक्टर, ये जो वो पैसा या किसी तरह की कुछ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए ये काम करते थे। उसके बाद जब वो आदमी मर जाता था तो वो यहाँ तक नहीं रुकते थे, जो उसकी घर की जो माँ बहनें बेटियाँ होती थी उनके साथ ये बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ रेप करते थे और बहुत दरिंदगी से रेप करते थे सबके सामने, बिकॉज उनकी सरकार चलती थी। तो इस तरह का माहौल मंजर बड़ा भयानक होता था वहाँ पर। तो होता क्या था कि हमारे जो देश के लोग, हमारे जो देश के गांव के लोग थे, वो लोग सरकारी अधिकारियों के पास, बड़े अधिकारियों के पास जाने लगे। और एक्चुअली क्या होता था कि ये सभी शामिल होते थे इसमें, सभी को पता होता था कि हमारे नीचे के बंदे क्या करने जाने गांव में। तो ये लोग बेचारे इनोसेंट होते थे, मासूम होते थे, इन्हें लगता था कि ये तो छोटे अधिकारी जी ने किया है, बड़े वाले अधिकारी के पास जाएंगे तो शायद वो सुनवाई करते। तो वहां पे ये कंप्लेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको वासना अपनी शांत करनी होती थी अंग्रेजों को, पैसा भी देना होता था, आगे जवाब भी देना होता था कि हमने इतना कलेक्शन कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा शिकायत जान लगी कि जो उन्होंने हमारी बेटी के साथ रेप किया, हमारी बहन के साथ रेप किया, ये किया वो किया। तो अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव कनिंग लोग थे, वो बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से काम करते। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये सारी समस्याएं, हम परेशान हो जाएंगे, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जिससे कि हमारा काम भी होता रहे हमारे लोगों पे। अब आप सोचो, किसी बड़े अधिकारी से आप बोलोगे आपके छोटे अधिकारी ने ये कर दिया, जो कि उसी के ग्रुप का मेंबर है, वो उसको सजा तो देने वाला नहीं। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, एक इस रेप के अगेंस्ट एक कानून बना दिया। उस कानून में ये बोला था कि जिसके साथ भी अगर रेप होगा आपको पूरा अन्याय मिलेगा, मगर जिसके साथ भी रेप होगा उस लड़की को ये अंग्रेजी अदालत में जाके ये साबित करना होगा कि उसके साथ रेप होगा, बलात्कार होगा। और अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं बहुत सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, वो कभी भी ये बात का जवाब नहीं दे सकती भरी अदालत। तो होता ये था दोस्तों कि 100 में से 2 या 3 अंग्रेजों को ही सजा मिल पाती थी, और सजा भी कुछ सालों की, जो कि उन्हीं की जेलें होती थी, उन्हीं की सारी चीज़ें अरेंजमेंट होते थे। तो 97-98 जो अपराधी अंग्रेज होते थे वो बाइज्जत बरी हो जाते थे, क्योंकि कोई भी लड़की ये बात को साबित नहीं कर पाती थी, और अंग्रेज भी अच्छी तरह से जानते थे। और यही कानून, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यही कानून आज भी हमारे आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी एज इट इज़ ये कानून चल रहा है। पीछे जो कुछ बहुत ही दरिंदगी के साथ रेप हुए, जैसे हम दिल्ली के निर्भया हत्याकांड की और रेप केस की बात करें, उसमें ये डिमांड की गई थी, सभी के समर्थन से ये साबित हुआ कि उनको डेथ पेनल्टी दी गई। उसमें से 6 में से 4 लोगों को डेथ टिल डेथ हैंग कर दिया गया था, और जिसमें से 2 जो जुवेनाइल थे उनको अभी दूसरी कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो जब ऐसे देश का कानून, जिसको हमारी आज़ादी के तुरंत बाद जला के फेंक देना चाहिए, जिससे जो कि हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार करने के लिए बनाया गया था अंग्रेजों के लिए, अपने अंग्रेज अधिकारियों को बचाने के लिए बनाया गया था, वो आज तक हमारे देश में चल रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या माने।
क्या ये हमारे जो देश के लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं है? और मैं ये आपको एक अभी मैं पीछे कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था एक, उसमें आपको पता है जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जितनी भी ये कंट्रीज हैं उसमें रेपिस्ट को गोली मारने का ऑर्डर है। और एक कंट्री में तो केवल 4 दिन के अंदर अंदर रेपिस्ट को सजा देते हैं, और बहुत फास्ट ट्रैक सर्विस होती है कोर्ट की इन रेप के मामलों में, जो कि इस्लामिक कंट्री में ये माना जाता है कि औरत को इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा माना नहीं जाता, मगर एक्चुअली वहाँ पे इतना फास्ट रूल है रेप केस के हिसाब से। और इवन बाकी मुजरिम गुनाहों में भी वो बहुत सख्त कानून है, चाइना में भी, यूएसए में भी, जैसे जैसे जितनी भी डेवलप कंट्री या जो थोड़ी सी उनको कह लो थोड़ा पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न कल्चर जिन जिन कंट्रीज में है वहाँ पे धीरे धीरे ना वो सजाएं कम होती जाती हैं। और ये जो थोड़ी अलग जो इस्लामिक तरीके से जो कंट्रीज चलते हैं उनमें इन तरह के गुनाहों की सज़ा बहुत बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अब जैसे चाइना की बात करें, यूएसए में भी कुछ सजा होगी, और ये डिपेंड करता है, कैटेगराइजेशन बना दिया है कि अगर आपने रेप किया और उसको ये चोट लगी तो आपको ये इतनी सजा है, रेप करने के बाद वो वैसे कोमा वोमे में चले गया या जो हमारा विक्टिम है वो तो इतनी सजा है, अगर उसकी डेथ हो गई तो इतनी सजा है, इसको भी इन लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है। सोचो जितना हम लोग मेंटली डेवलप होते हैं उतना ही हम नीचे गिरते जा रहे हैं, जबकि इस अपराध के लिए कोई ऐसी सजा नहीं बनी है एक्चुअली, मगर हम लोग फिर भी उसको कैटेगराइजेशन करते हैं कि यूएसए, चाइना, इन सब में ये है, रसिया, इन सब में ये सारे इस तरह के रूल हैं। और उससे भी बढ़ के हमारा भारत देश है जहाँ पे शुरू में 7 साल की सज़ा थी केवल रेपिस्ट के लिए, और आउट ऑफ 100 5 लोगों को ही सज़ा हो पाती है, बाकी को सज़ा हो भी नहीं पाती है। तो अब एक चीज़ बताइए कि इन कानूनों को चेंज करने के लिए कोई ये क्यों नहीं कहता कि कानून को चेंज होने की ज़रूरत है? यहाँ पे जितने भी कानून ये लोग चला रखे हैं इनको चेंज होने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ला दिया, क्या फायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट का? एक बार फिर से अंधकार, तो आप समझ सकते हो कितना अंधकार है हमारे देश में। तो दोस्तों मैं यही बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे किस तरह से इस जघन्य अपराध के लिए भी ये बुद्धिजीवी लोगों ने इस तरह की कैटेगराइजेशन की गई है कि आप इतना किया तो इतना सजा मिलेगा, इतना किया तो इतना सजा मिलेगा। और जबकि हमारे जैसे देश में यहाँ पे स्त्री को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, बताया जाता है कि इसके बिना आपको मोक्ष नहीं मिलता, स्त्री अगर आपके जीवन में नहीं है तो उस तरीके से होता है। और सबसे शर्म की बात, सबसे ज़्यादा एक अंदर से बहुत गंदा फील होता है ये सोच के कि जो कानून अंग्रेजों ने अपने आप को और अपने अधिकारियों को बचाने के लिए बनाए थे ताकि वो हमारी माँ बहन बेटियों का रेप करते रहें और उन पे कोई अत्याचार ना कर पाए या उनको कोई सजा ना दिला पाए, ये कानून उस लिए बनाए गए थे, वो आज भी हमारे देश में लागू हैं। धीरे 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 कुछ उनमें बदलाव हो रहे हैं, मगर फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि पहले गोरे अंग्रेजों को बचाने के लिए ये कानून चलाए गए थे और अब काले अंग्रेजों को बचाने के लिए ये कानून ज्यों के त्यों रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो ऐसा ये एक कानून नहीं है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि अंग्रेजों ने लगाए थे। 32,335 कुछ समथिंग कुछ कानून लोगों ने, इन अंग्रेजों ने बनाए थे जो कि आज भी एज इट इज हैं। तो क्या ये जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था और जितने भी लोगों ने सत्ता हाथ में ली थी कहीं इनके दिमाग में ये तो नहीं था कि अगर इनके लिए नया संविधान बनाया जाए, कुछ अलग बनाया गया, तो पता नहीं हम इनको हैंडल करें या ना करें। अंग्रेजों ने इनको बहुत अच्छे से हैंडल किया था, अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते थे, अपने कोई अधिकार नहीं थे इनको, क्यों ना इन्हीं को। तो क्या इन्होंने भी, ये जो जितने भी पॉलिटिकल नेता लोग हैं या जितने भी सत्ताधारी हैं, क्या इन्होंने भी यही सोचा था कि हमको गुलाम बनाए रखें इसलिए यही सेम टू सेम कानून यहीं पे ला दो हमारे देश में, कुछ भी मत चेंज। गांधी जी ने ये बड़े ही कठोर शब्दों में कहा था कि जिस दिन हमको आज़ादी मिलेगी जितने भी अंग्रेजों के कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी उठा के जला दिए जाएं, मगर किसी ने कुछ भी नहीं जलाया। और इस रेप केस का जो कानून है तब भी ऐसा था, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको ये साबित करना होता है कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, और जिसने जिसने अत्याचार किया उसको कुछ भी साबित नहीं करना। कितने बुरे दिन आ गए हमारे देश के और हमारे देश की महिलाओं के। तो मैं ये कहता हूं हमारे देश में एक बड़ा एक और वो गड़बड़ चला रखा है,
कि मैं संविधान में पूरा विश्वास रखता हूं, मुझे अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन है, मुझे तो नहीं है, मैं तो खुला चैलेंज बोल रहा हूं। मेरे को हमारे संविधान में जितने भी कानून नियम है सारे के सारे हमको प्रताड़ित और हमको दुखी दुख देने के लिए है, हमको न्याय देने के लिए कोई भी कानून नहीं बना है, क्योंकि उसमें से 80% 90% कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उसमें उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए भी है ना, वो भी केवल हमको और बद से बदतर हमारी जिंदगी को बनाने के लिए किए गए हैं। हम यहाँ पे अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने दम पे कमा खा रहे हैं ना, तो केवल इसी वजह से कि हमारे डंडे में जोर है। जो गरीब है, जो लाचार है, जिसको जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करता, आज भी उसका वही हाल है, और मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता रहता हूँ। तो कानून चेंज होना चाहिए, संविधान चेंज होना चाहिए, ये बात कोई नहीं बोलता, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। सब अपने ग्रुप में, अपने निजी सर्कल में सब बोलते हैं, मगर ओपन कोई नहीं बोलता इस चीज को। सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में रेप रोकने, ना तो हमारे देश के युवाओं को ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है, जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं उन्हें माना जाता है कि बहुत नीची सोच के लोग होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, शिक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा फैलाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है चेंज द रूल, चेंज द कानून, कानून ऐसा बनाओ कि किसी की दोबारा हिम्मत ना हो किसी की तरफ बुरी नजर से देखने तक। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इन काले अंग्रेजों के अधिकारी जो हैं वो ही बेचारे इन सारे पंगों में पड़े हुए हैं। अगर इन्होंने कानून चेंज कर दिया तो इनकी पार्टियों का क्या होगा, इनके अपने सगे संबंधियों का क्या होगा? इस चीज पे कभी कोई सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता, कोई ये नहीं करने की हिम्मत रखता कि भैया हमारे संविधान में ही सब लफड़ा हो रखा है। ये जितने भी मुजरिम, ये जो जितने भी भाग जाते हैं, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, कोई बेचारा पत्रकार इनसे बात करने जाता है उससे बोलते हैं आई डोंट टॉक टू, एक बार मैंने विजय माल्या का इंटरव्यू देखा था, आई डोंट टॉक टू रिपोर्टर्स, मैं अपना गवाह ऑनरेबल जज को दूंगा। एक्चुअली ये जज, कानून, ये जितने भी व्यवस्था है ना, सब के सब एकदम रद्दी हैं, इनको किसी से कोई न्याय नहीं मिलने वाला। और तो और जो रेपिस्ट होते हैं उनको ये अच्छी तरह से पता होता है भैया मैं मेरी लाइफ टाइम में तो मुझे सजा मिलने वाली नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा 80-90 साल को, बाद में किसी को मिल जाए तो मिल जाए, फिर किसको सजा दोगे? तो भैया कानून चेंज करो, 4 दिन में भी रेपिस्ट को सजा मिल सकती है, ऐसा ही कंट्री में है, और भी इस्लामिक कंट्री है वो। करना क्या है यार, तुम्हें क्या करना है? साफ पता है वो बेचारी बेटियां हमारी रो रही होती हैं, मीडिया से छाती पीट पीट के अपनी गुहार कर रही होती है कि हमें न्याय दो न्याय दो। तुम उनको अरेस्ट करोगे, जांच करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इतने में तो हो गया काम, फिर तो तुमने दिला ली नहीं, तभी तो इतने इतने सारे कोर्ट पे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं तुम्हारे, नहीं तो अब तक तो सारे सॉर्ट आउट हो जाते। 100 में से 5 लोगों को ही सजा मिलती है, सोचो किसी के दिमाग में भी ये नहीं आता कि हमारे कानून को चेंज करने की जरूरत है। 100 में से अगर 95 लोगों को सजा मिले, 5 छूट जाए तो समझ आता है क्या रेशो है ये न्याय का। तो कानून चेंज करने की जरूरत है, अगर किसी में हिम्मत है तो कानून चेंज करने के लिए बोलो, और ये फालतू की सेंसेशन में मत पड़ो। इवन ये रेडियो वाले भी, अभी एक रेडियो के एंकर का मैंने देखा था, बहुत अच्छी वीडियो उसने डाली थी कि मैं बेटे का अबॉर्शन करवाने आया हूँ, बेटी का नहीं, क्योंकि कोई मैं ऐसा बेटा ही नहीं चाहता जो मेरी बेटियों की, दूसरे की किसी बेटी का रेप कर दे। बहुत ऐसा सेंसेशन, मैंने पूरी वीडियो बड़े उत्सुकता से देखी, लास्ट में पता चला सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा है मेरे दोस्त जो कि तुमको देशद्रोही बुलवाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जितने भी सफेद पोस्ट लोग हैं ना, सब तुम्हें कहेंगे कि ये पागल हो गया, संविधान को नहीं मानता, कानून व्यवस्था को नहीं मानता। अबे क्यों मानूं, जिन लोगों ने हम पे अत्याचार करने के लिए कानून व्यवस्था बनाई है उनको भगा दिया था लोगों हमने, तुम अभी भी उनके कानून हमारे ऊपर थोपे, अंग्रेजियत नहीं गई, अंग्रेज चले गए हमारे देश से। तो कानून को चेंज करो, अगर आवाज उठानी है तो कानून को चेंज करने के लिए उठाओ, अपने लोगों को अवेयर करो, और इस देश में बदलाव तभी होगा। एक एक कानून ये यहाँ से उखाड़ के फेंको, जितने भी अंग्रेजों ने हमको परेशान करने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए जो कानून चलाएं, सबको उखाड़ के देश से फेंको। और ये नेता लोग कभी नहीं फेंकेंगे इसको उखाड़ के, क्योंकि ये खुद साले करप्ट है, ये खुद करप्ट है, और मैं ये बात डंके की चोट पे बोल रहा हूं। कोई भी सेलिब्रिटी नहीं बोलेगा, कोई भी मीडिया पर्सनैलिटी नहीं बोलेगी, कोई भी नेता लोग नहीं बोलेगा ये। और कौन बोलता है ये चीज? हम जैसे सच्चे नागरिक ही बोलते हैं, जो कि कैंडल लेके मार्च करते हैं रोड़ों पे। हमारे देश के युवा बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी चाहिए तो चाहिए,
और कोई नहीं बोलता, कोई भी पर्सनैलिटी, एमिनेंट पर्सनैलिटी, फेमस लोग कभी नहीं बोलते। बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं हमारे देश में, उनकी बात की इतनी वैल्यू है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो भी नहीं बोलते, क्या उनको नहीं समझ आता? तो खिचड़ी को भैया खिचड़ी ही रखना चाहते हैं, और इस खिचड़ी को ठीक करना है ना तो आउट ऑफ द वे जाके हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, और अपनी बात बहुत कठोरता से रखनी पड़ेगी। और मुझे तो ये भी डाउट है कि ये नेताओं के अपील करते करते मर जाओ फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसका तरीका दो ही है, देश में क्रांति लाने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है, जो शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनाया था, कि उखाड़ के फेंक दो सबको, रिक्रिएशन करने की सोचो। दूसरा तरीका, लोगों को इतना अवेयर करो, इतना एम्पावर करो कि वो खुद ही इस चीज के से फाइट करने लगे, क्योंकि आप हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते। तो हर जगह अपने जैसा एक इंसान खड़ा करो, उसको एम्पावर करो कि कभी भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आए तो आवाज उठाओ, बात को अपनी कहो, और उनको मजबूर कर दो ये मानने के लिए कि एक बंदे की यहाँ बात नहीं, पूरा देश इस चीज के लिए जागरूक हो चुका है। तो इसलिए सुधर जाओ और ये सारे कानून वानून ठीक कर दो, अपने लोगों को बचाने के लिए इन कानूनों को छुपा के मत रखो, छोटे मोटे अमेंडमेंट करके किसी को भ्रम में मत डालो, उनको उल्लू मत बनाओ। सॉल्यूशन यही है मेरे दोस्तों, मैंने आज बोल दिया है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ या जो भी होगा, बट मुझे तो एक ही सॉल्यूशन नजर आता है, कानून व्यवस्था में बहुत भारी मात्रा में चेंज करना जरूरी है। अंग्रेजों के कानून से कभी भला नहीं होगा। थैंक यू शेयरिंग।